डीएम कर रहे थे कि भाई कौन सा कैमरा लेना चाहिए। तो इसी टॉपिक पर आपका भाई आ गया आज न्यू वीडियो लेकर। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके लिए कौन सा कैमरा बेस्ट है। तो सबसे पहली बात, आप ये वीडियो एंड तक देखना और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो पहली बार आपको पता होना चाहिए आप कैमरा लेना क्यों चाहते हो। इसमें कई टॉपिक आते हैं, आप कैमरा किस लिए लेना चाहते हैं, वेडिंग शूट करने के लिए, प्री वेडिंग शूट करने के लिए, या फिर ब्लॉगिंग के लिए चाहिए कैमरा आपको, या फिर यूट्यूब वीडियो के लिए। तो इसी में आपको बताने वाला हूँ आपके लिए कि वेडिंग में कौन सा कैमरा बेस्ट रहेगा एंड ब्लॉगिंग में कौन सा रहेगा, प्री वेडिंग में कौन सा रहेगा। सबके लिए वेडिंग के लिए आपके लिए कैमरे बताता हूँ मैं, फोटो कैमरे। फोटो कैमरे में आप ले सकते हो न्यू लेटेस्ट कैमरा, बता देता हूँ मैं आपको। लेटेस्ट कैमरे में एक आया है निकोन में Z50। Z50 बहुत ही लेटेस्ट कैमरा है, इसमें न्यू अपडेट हुआ है, बहुत शानदार फीचर आया है इसमें। और इसके बाद में कैनन में भी आया है M50 Mark II। M50 Mark II उसको भी ले सकते हैं, वो भी बहुत बेस्ट कैमरा रहेगा आपके लिए। अगर इसी फोटो कैमरे में आप सेकेंड हैंड बाय करना चाहते हो फोटो कैमरा, तो आप निकोन D7500 ले सकते हो, D7200 ले सकते हो, निकोन D750 ले सकते हो। फोटो कैमरा आपके लिए बेस्ट रहेगा। और इसी को फोटो कैमरा आप ले सकते हो कैनन में। कैनन में 80DB शानदार है, 80-90DB शानदार है, दोनों कैमरों का रियल बहुत अच्छा है। तो आप चूज कर ले कौन सा कैमरा बेस्ट है, जो बहुत शानदार कोई सा भी ले सकते हैं इनमें से मेरी तरफ से। तो ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपके लिए वीडियो के लिए बेस्ट कैमरा वेडिंग के लिए। तो वीडियो के लिए बेस्ट कैमरा रहेगा NX100 सेकंड हैंड बाय करना चाहते हो तो, और न्यू लेते हो तो NX200 बाय करें। NX200 बहुत शानदार कैमरा है, ठीक है, आप दोनों में से कोई सा चूज कर सकते हो। दूसरी बात अब आती है ब्लॉगिंग के लिए। ब्लॉगिंग के लिए आपके लिए आता सोनी का ZV-E10 कैमरा, बहुत शानदार कैमरा है ये, आपको आएगा लगभग 60,000 रुपये के लगभग आ जाएगा। और आप वैसे ब्लॉगिंग का ज्यादा GoPro भी ले सकते हो, GoPro भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ YouTube वीडियो के लिए, YouTube वीडियो के लिए आपके लिए कैमरा बेस्ट रहेगा। लो बजट में आप स्टार्ट करना चाहते हो, बिगनर हो, तो आपके लिए रहेगा कैनन 200D, बहुत अच्छा कैमरा है, इसको बाय कर सकते हैं आप। ये बहुत कम प्राइस में जाएगा आपको, 60,000 रुपये के लगभग। इससे आप फोटो वीडियो दोनों यूज कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से यूज करना सीख सकते हैं, ठीक है। और अच्छा जा सकते हैं तो और भी बहुत बड़े कैमरे हैं, लेकिन स्टार्ट करना चाहते हैं तो बहुत बेटर कैमरा है। और बताता हूँ आपके लिए प्री वेडिंग के लिए। प्री वेडिंग में बहुत सारे कैमरे हैं, बहुत अच्छे अच्छे मिरकलेस कैमरे चल रहे हैं प्री वेडिंग के लिए। तो प्री वेडिंग में आप कैमरा यूज कर सकते हो सोनी अल्फा A7M3, A7M4, इनकी रेट बहुत हाई है। निकोन में भी जा सकते हो, निकोन Z6, निकोन Z7, बहुत कैमरे हैं, तो आप देख लेना जो आपको अच्छा लगे। वैसे तो सभी कैमरे बहुत अच्छे हैं जो मैंने बताए आपके लिए। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताएं, लाइक करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं न्यू वीडियो में, बाय बाय।